सोचिए दोस्तों कितनी भीड़ है यहाँ। स्कूल के समर वेकेशन शुरू हो गए, जुलाई अगस्त मेन यहाँ पर वेकेशन का महीना होता है, तो लोग टूट टूट के आए हुए हैं। ये भी फ्राइज की जगह है और ये लाइन देखिए, तो लगता है जैसे कि एक नदी चल रही है, लोगों की नदी, लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए अभी ये पीक समर हॉलिडे, यहाँ पर तो दुनिया भर से लोग आए हैं, चाहे इंडिया, चाहे चाइना, चाहे बांग्लादेश, चाहे पाकिस्तान, चाहे यूरोप, चाहे अमेरिका। एम्स्टरडैम शहर ऐसा है कि पूरे दुनिया से लोग आते हैं। बस सब लोग एक ही चीज़ इंटरनेट में पढ़ते हैं और आ जाते हैं कि ये नंबर वन हॉलैंड फ्राइज तो खाना ही है। दोस्तों ये मेन स्ट्रीट, मेन सेंटर ऑफ एम्स्टरडैम। दोस्तों हालांकि यूरोपियन सिटीज़ में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, पर हर सिटी में एक अपनी एक पर्सनैलिटी भी होती है। जैसे यहाँ एम्स्टरडैम में जो है, यहाँ साइकिलिंग बहुत ही डीप 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 कल्चर है साइकिलिंग को। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप समझ लो कि फर्स्ट प्रायोरिटी साइकिलिंग का है। और दोस्तों ये अंडरग्राउंड साइकिलिंग पार्किंग है। ये एक हॉट फूड का रेस्टोरेंट शॉप है, तो ये हमने कई जगह देखे हैं यहाँ पर। सॉरी, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल।
जितनी साइकिलें हैं यहाँ पे, ऐसे देख के मज़ा आता है कि लोग इतने साइकिल में घूम रहे दीदी। वट भी बेटर है डूइंग दिस, आई वट भी बेटर है डूइंग दिस।